हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्गुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कम्युनिकेशन मॉडल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रेम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। श्रेम का पूरा नाम विल्बर श्रेम था। विल्बर श्रेम एक कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे। विल्बर श्रेम ने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट बुक में 1954 में दिया था। अपना कम्युनिकेशन मॉडल देने से पहले विल्बर श्रेम ने उस समय तक जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल थे उन सभी को स्टडी करने के बाद अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। विल्बर श्रेम ने शैनन और वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसी को अडेप्ट करके ह्यूमन कम्युनिकेशन का मॉडल दिया। ह्यूमन कम्युनिकेशन में विल्बर श्रेम मानते हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में इनकोडिंग और डिकोडिंग का जो एलिमेंट है या जो कंपोनेंट है वो बहुत जरूरी होता है। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर की तरफ से इनकोडिंग और रिसीवर की तरफ से डिकोडिंग का एलिमेंट किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। विल्बर श्रेम कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हुए आगे बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन हम ओरल फॉर्म में कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, वर्बल फॉर्म में कर सकते हैं, नॉन वर्बल फॉर्म में कर सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में माइक्रोफोन को हम इनकोडर और ईयरफोन को हम डिकोडर मानते हैं, वैसे ही ह्यूमन कम्युनिकेशन में हम सोर्स और इनकोडर को एक पर्सन मानते हैं, वहीं डिकोडर और डेस्टिनेशन को एक दूसरा पर्सन। साथ ही शैनन वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में जो सिग्नल वाला कंपोनेंट या एलिमेंट रखा है विल्बर श्रेम ने उसको लैंग्वेज माना। तो इस कम्युनिकेशन मॉडल में हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि विल्बर श्रेम एक कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे। उन्होंने मास मीडिया और नेशनल डेवलपमेंट बुक में अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया है। कब दिया है, 1954 में। विल्बर श्रेम ने अपना जो कम्युनिकेशन मॉडल है कहाँ से अडेप्ट किया है, शैनन वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल से, और उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ह्यूमन कम्युनिकेशन में इसको डिफाइन किया। साथ ही इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस को उन्होंने मेन कंपोनेंट या एलिमेंट माना है। और कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में माइक्रोफोन इनकोडर होता है और ईयरफोन डिकोडर। उसी को उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन में जब अडेप्ट किया तो सोर्स और इनकोडर को एक अलग पर्सन माना है और डिकोडर और डेस्टिनेशन को एक अलग। ठीक है, साथ ही शैनन वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल में जो सिग्नल है उसको विल्बर श्रेम ने लैंग्वेज माना है। तो शैनन वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें सेंडर इनकोडिंग के जरिए एक मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करते हुए फीडबैक के जरिए वापस सेंडर को भेज देता है। और ये कम्युनिकेशन इसी तरह सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, सर्कुलर और टू वे कम्युनिकेशन अलग अलग होता है, आप लोग एक मत समझिएगा। जैसे टू वे कम्युनिकेशन है और एक है सर्कुलर कम्युनिकेशन। अब डिफरेंस क्या है इसमें, टू वे में मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, ठीक है, और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद वो उसका फीडबैक
सेंडर को भेज देता है कि अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब लगा, उसको कैसा लगा, अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं डालता है उसमें, ठीक है, कि आपने अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजा, ठीक है, अब उस मैसेज पे आपके दोस्त ने कुछ रिएक्ट किया, ठीक है, कोई अच्छा रिएक्ट किया, कोई बुरा रिएक्ट किया, कोई रिएक्ट किया, उसने उस मैसेज में अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं डाला, लेकिन सर्कुलर जो कम्युनिकेशन है उसमें रिसीवर अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करता है। जैसे आपने महंगाई के मुद्दे पर अपने एक फ्रेंड को कुछ बोला, ठीक है, फिर उसने उस मैसेज को डिकोड किया, फिर उस मैसेज में उसने अपना कुछ इनपुट डाला, फिर आपको भेजा। जैसे सेंडर ने इनकोडिंग के जरिए रिसीवर को मैसेज भेजा, रिसीवर ने मैसेज डिकोड किया, फिर उस मैसेज में उसने अपना कुछ इनपुट डाला, ठीक है, फिर उसने इनकोडिंग प्रोसेस के जरिए आपको मैसेज भेज दिया, आप डिकोडर हो गए। तो यहाँ क्या है, सेंडर और रिसीवर की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, कभी सेंडर इनकोडर का काम करता है तो कभी डिकोडर का, ऐसे ही कभी रिसीवर डिकोडर का काम करता है, कभी इनकोडर का। तो सर्कुलर और टू वे कम्युनिकेशन में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया कि टू वे कम्युनिकेशन में क्या है, जो रिसीवर है उस मैसेज में अपना कोई इनपुट नहीं डाल रहा है, इसलिए वो टू वे कम्युनिकेशन है। और सर्कुलर कम्युनिकेशन में क्या है कि जो रिसीवर है, जो मैसेज उसको रिसीव हुआ है, उस मैसेज में कुछ अपना इनपुट डालता है, फिर वो सेंडर तक भेजता है, और ये सर्किल ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको सर्कुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, टू वे कम्युनिकेशन अलग है, सर्कुलर कम्युनिकेशन अलग है। तो जो विगर स्रैम का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो क्या है, सर्कुलर, ठीक है। और सर्कुलर क्यों है आप लोगों को पता चल गया, यही बात ऑसगुड ने भी अपने कम्युनिकेशन मॉडल में कही है, ठीक है, लेकिन तो विल्वर स्ट्रैम ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में क्या ऐड किया है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को, ठीक है। अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कॉमननेस हो, ठीक है, कोई कॉमननेस हो। कॉमननेस से क्या मतलब है, हो सकता है वो सोशल बैकग्राउंड उनका सेम हो, जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो सबका सोशल बैकग्राउंड बहुत अलग अलग है, कोई किसी कम्युनिटी से है, कोई किसी कास्ट से है, कोई किसी रिलीजन से है, ठीक है, तो हम क्या है अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर में बड़े हुए हैं, तो अगर किसी का सोशल बैकग्राउंड सेम है तो इट मीन्स कॉमननेस हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी का बिलीफ सेम है तब कॉमननेस हो जाएगी, अगर किसी का एक्सपीरियंस सेम है उस तब कॉमननेस हो जाएगी, अगर कोई सेम वैल्यूज फॉलो करता है तो कॉमननेस हो जाएगी, अगर कोई सेम जेंडर से बिलोंग करता है तो जो कॉमननेस है सेंडर रिसीवर के बीच में उसके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी थॉट में बिलीव कर रहे हो और आपका रिसीवर भी उसी थॉट में बिलीव कर रहा है तो जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होगा, आप सेम बैकग्राउंड से आए हो, आपका रिसीवर भी सेम बैकग्राउंड से है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपका भी सेम एक्सपीरियंस रहा है, आपके रिसीवर का सेम एक्सपीरियंस रहा है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आप उस वैल्यूज को फॉलो करते हैं लाइफ में, आपका रिसीवर भी उन्हीं वैल्यूज को फॉलो करता है लाइफ में, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। सेम सेट ऑफ जेंडर से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपका रिसीवर भी सेम जेंडर से बिलोंग कर रहा है तो भी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, कि सेंडर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है उसके अच्छे से होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का जो एलिमेंट है वो किसने दिया है, किसने ऐड किया है, विल्बर्ट स्रैम ने। जैसे बर्लो ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में बताया था कि अगर सेंडर और रिसीवर सेम लेवल पे हैं तो जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा,
उसी तरीके से विल्बर स्वैम ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में फील ऑफ एक्सपीरियंस कहा है उसी चीज को, कि सेंडर और रिसीवर एक्सपीरियंस पार्टिकुलर चीजों में सेम है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बर्डलो का कम्युनिकेशन मॉडल अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कम्युनिकेशन मॉडल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन विल्बर स्वैम के कम्युनिकेशन मॉडल का कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्यों? क्योंकि इसमें नॉइज की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, नॉइज किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो सेंडर के लेवल पे भी हो सकती है, वो रिसीवर के बेसिस पे भी हो सकती है, वो जब आप मैसेज इनकोड कर रहे हो उस समय भी नॉइज क्रिएट हो सकती है, जब रिसीवर मैसेज को डिकोड कर रहा है तो उस समय भी नॉइज क्रिएट हो सकती है, या जो मैसेज भेजा गया है उस मैसेज में भी नॉइज हो सकती है। तो इस मॉडल में नॉइज की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके साथ ही विल्बर स्वैम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, लेकिन सभी का एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक उसका क्रिटिसिज्म है। जैसे शैनन वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में चैनल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज और इफेक्टिव नॉइज की बात की है, तो इस मॉडल में किसी भी नॉइज की बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आप लोगों को इस मॉडल में क्या याद रखना है, जो सेंडर है और जो इनकोडर है वो एक पर्सन है, और रिसीवर और डेस्टिनेशन एक पर्सन है। ठीक है, और सिग्नल को उन्होंने क्या माना था, मैसेज। ठीक, इनकोडर मैसेज को डिकोडर के पास भेजता है, यानी सेंडर मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है, रिसीवर उसमें कुछ अपना एलिमेंट ऐड करके इनकोडिंग प्रोसेस के जरिए, ठीक है, इनकोड करता है और फिर सेंडर के पास वापस भेज देता है। तो सेंडर कभी इनकोडर है तो कभी डिकोडर, ऐसे ही रिसीवर कभी डिकोडर है तो कभी इनकोडर। ठीक है, अगर आप लोगों को इस कम्युनिकेशन मॉडल को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉडल आप लोगों ने समझ लिया, कुछ टर्म होती है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही एक टर्म है सिमेंटिक डिफरेंशियल, ये किसने दी थी, ऑसगुड ने। ठीक है, सिमेंटिक डिफरेंशियल का क्या मतलब है, सपोज व्हाट्सएप स्टेटस में कोई जोक लगाया या कोई मीम लगाया है, ठीक है, उस मीम के ऊपर आपके दोस्तों में आप देखोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे किसी ने हंसने वाली इमोजी लगाई होगी, ठीक है, किसी ने दुखी वाली इमोजी लगाई होगी, किसी ने लव वाली इमोजी लगाई होगी, कोई सोचने वाली इमोजी लगा रहा होगा, कोई कंफ्यूजिंग वाली इमोजी लगा रहा होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि आपने जो कम्युनिकेशन का लोग अलग अलग तरीके से मीनिंग निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने कोई जोक किया, कुछ लोग उसको इंजॉय करते हैं, कुछ लोग उस पर हंसते हैं, कुछ लोग उस पर गुस्सा होते हैं, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, उनके सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, सिमेंटिक डिफरेंशियल, कि एक ही चीज का अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को खराब लग रहा होगा। ठीक है, आप सबको भी अलग अलग चीजें इस कम्युनिकेशन में, कुछ लोगों को अलग अलग चीजें लग रही होंगी, कि किसी मैसेज को रिसीवर किस तरीके से परसीव करता है वो सिमेंटिक डिफरेंशियल है। ठीक है, ये टर्म किसने दी थी, चार्ल्स ऑसगुड ने। तो समझ में आ गया सिमेंटिक डिफरेंशियल क्या होता है। एक टर्म होती है कोनोटेटिव। कोनोटेटिव में क्या है कि जो सेंडर है वो मैसेज कुछ और देता है, लेकिन जो रिसीवर है उसका मतलब कुछ वो अलग निकाल लेता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है,
अगर आप लोगों को याद होगा, राहुल गांधी की आलू सोना वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है? तो इसमें सेंडर ने आलू सोना एक अलग कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला, ठीक है? लेकिन अगर उसको एडिट करके अगर देखा जाए, उसका मीनिंग कुछ अलग तरीके से निकलता है। तो ये क्या होगा? कॉनोटेटिव, कि सेंडर ने मैसेज कुछ और कहा है, या कुछ और बोला है, या कुछ और लिखा है, लेकिन रिसीवर ने उसको कुछ अलग समझ लिया है। जैसे आप भी अगर दोस्तों से बात करते होगे, तो आपने मैसेज कुछ और लिखा, आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो चीज बोली है, लेकिन सामने वाले ने क्या किया है, कुछ और मीनिंग उसका निकाल लिया है, और आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो कोनोटेटिव में यही है, सेंडर एक मैसेज भेजता है और रिसीवर उस मैसेज का एक अलग मतलब निकाल लेता है, ठीक है? एक टर्म और होती है डिनोटेटिव। डिनोटेटिव में क्या है कि जब सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर एग्जैक्ट वही समझता है जो जो सेंडर ने भेजा है, ठीक है? यानी आपने अपने दोस्त को जो कुछ कहना चाहते हैं, आपने उससे वही कहा और उसने वही समझा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ किसी ने कुछ अलग मीनिंग नहीं निकाला है, आपने जैसा कहा है सामने वाले ने वैसा ही समझा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिनोटेटिव, ठीक है? ये लोग ये चीज याद रखिएगा, कोनोटेटिव क्या है और डिनोटेटिव क्या है, ठीक है? एक टर्म होती है पॉलीसेमिक, ठीक है? अब पॉलीसेमिक क्या है? बहुत सारे शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है? सपोज कोई शब्द है, जैसे यूपी है, यूपी में किसी शब्द की मीनिंग अलग है, हो सकता है आप कर्नाटक में जा रहे हो तो वहां किसी वर्ड की अलग मीनिंग हो, महाराष्ट्र में जा रहे हो वहां उसी वर्ड की अलग मीनिंग हो, क्योंकि एक ही शब्द के जब अलग अलग मीनिंग होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसेमिक। तो कम्युनिकेशन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वर्बली या रिटेन में, तो उसका किस जगह क्या मीनिंग है, ठीक है? किस कॉन्टेक्स्ट में आप वो मैसेज भेज रहे हैं रिसीवर के पास, क्या जो आपका रिसीवर है क्या वो उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेगा, ठीक है? तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे वर्ड हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो कम्युनिकेशन करते टाइम ये चीजें याद रखनी चाहिए कि कहीं मीनिंग अलग ना हो जाए, ठीक है? तो एक ही शब्द का जब अलग अलग मीनिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेमिक, ठीक है? अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।